आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। 7.1 की बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये इन सारे पेयर्स में बेटा आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो पहले तो आपको बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जरा वो लिख देते हैं। अंडर रूट में बेटा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले वाले का निकालते हैं, इसका पहले का बेटा डिस्टेंस कैसे निकलेगा जरा देखिए। बेटा ये है x2 और ये है y2, ये है x1 और ये क्या है y1। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, x2 - x1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 - y2 - y1 विच इज 3 का होल स्क्वायर। किसी बच्चे कोई दिक्कत, अंडर रूट में बेटा जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां पे कितना आ रहा है बेटा -2, तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा 8। इसको और थोड़ा तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हो तो बेटा क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए जरा 4 × 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। और 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, अंदर क्या बचा √2। एनी प्रॉब्लम कहां पर, यहां से बेटा अंडर रूट की जगह अंडर रूट आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, तो यहां पे 4 लिख दिया। 4 + 4 कितना होता है बेटा 8, 8 को कैसे लिखा जा सकता है 4 × 2 बेटा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। कहां पे tan a, हां जी बेटा। अब आ जाओ बेटा किस पे, सेकंड पर, इधर देखो सेकंड पार्ट पे जरा देखिए। इसका भी हमें क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस बताना है। देवी और सज्जनों ध्यान दीजिए, ये है बेटा हमारा x1 y1, ये क्या है हमारा x2 y2। फॉर्मूला क्या है बेटा जरा देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा x1 क्या है नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अब जरा ध्यान दीजिए, अंडर रूट में इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 और यहां पर भी 4 का स्क्वायर होता है 16। बेटा 16 + 16 कितना होता है 32, कितना होता है 32, और 32 को बेटा 16 × 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 16 × 2 कितना होता है 32। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा मुझे पता है 16 का स्क्वायर होता है 4 और अंदर क्या बचेगा √2। कोई दिक्कत, इस तरीके से बेटा डिस्टेंस निकलेगा। आ जाइए बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाओ बेटा। जरा ध्यान दीजिए, ये है हमारा x1 y1 और ये क्या हो गया हमारा x2 y2। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, बेटा देखो यहां पे दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, अगर दो वैल्यूज नेगेटिव हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहां पर क्या आएगा बेटा
माइनस का 2a। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो दो बार a है तो माइनस 2a का स्क्वायर। यहां पर देखो b और b दो बार है तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देख लो अभी यहां पे किसी बच्चे को डाउट है तो क्लियर है। बेटा देखो नेगेटिव टर्म हो या पॉजिटिव टर्म हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4, और साथ में a का स्क्वायर। यहां पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और यहां पे क्या बचा? b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? 4 कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों को लगता है दोनों का स्क्वायर है तो काट दो, ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और बी से बी के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। बेटा गलत है, बीच में अगर प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का होता तब ये कैंसिल आउट हो जाता। समझ में आ रही बात ही नहीं? तो ये तीनों है बेटा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गई बात या नहीं? प्लीज नोट इट डाउन।